बीजी हम यहाँ से चलते हैं। मैं अपने सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती बीजी। नहीं सरला, हमें रुकना पड़ेगा बेटा। प्रज्ञा को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? की बात हुई थी से पता चला वो ऐसा क्यों करेगी? अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो फैसला कर चुकी। माँ मैं दी से बात करके आता। मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं है, वो फैसला कर चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी अपना फैसला बदलेगी। कंग्रेचुलेशंस आंटी जी, आपको यहाँ पर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगी? अरे मिडिल क्लास में तो एक शादी करना भी बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ तो इनकी बेटी की दो दो शादी हो रही है, और वो भी बिना एक रुपया खर्चा किए, है ना? तनु जानती हो, मुझे तो बुलबुल को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है ना बुलबुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? चाहे तुम इसे प्रज्ञा की खुशी की वजह बोलो या फिर हम सब की खुशी की वजह। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अलिया ये क्या कर रही हो तुम? बारात आ चुकी है, कहीं ऐसा ना कि वो चश्मिश दुल्हन बन के आ जाओ और हम अभी तक तैयार नहीं है। चलो जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है मैं उस बहन जी के लिए रेडी हो रही हूँ? तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रही हो तैयार होने में? स्वीटहार्ट, आलिया मेहरा नाम है मेरा, मैं जो भी करती हूँ अपने लिए करती हूँ। उस बहन जी के लिए रेडी नहीं हो रही, मैं तो अपने पूरब के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस शादी में जरूर आएगा, और मुझे मालूम है कि वो बुलबुल ना एकदम बहन जी टाइप ही लगने वाली, और फिर जब पूरब मुझे देखेगा तब उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है उसको सिलेक्ट करके। आलिया आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरब ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो? अरे पूरब तुम्हें तुम्हारी शादी के मंडप पे छोड़ के गया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं ये कभी एग्जैक्टली तुम कभी मेरी जगह हो ही नहीं सकती थी। अपने करियर के लिए कोई अपनी लव लाइफ को कैसे छोड़ सकता है? स्वीटहार्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अब देखो ना, मेरे प्लान की वजह से वो बहन जी भाई की लाइफ से बाहर चली गई है, वरना भाई का इंतजार करते करते तुम्हारे तो बाल सफेद हो जाते। सीतनु, पूरब मेरा बचपन का प्यार है, यू नो आई लव हिम टू बिट्स, और वो बुलबुल उसको सिर्फ कुछ महीनों से जानती है, तो पूरब की नादानी की वजह से मैं उससे प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना तनु। मेरा पहला टारगेट थी ये बहन जी, ये तो फाइनली इस घर से चली गई, और अब मेरा टारगेट होगी वो बुलबुल। देखना तनु, ऐसा प्लान बनाऊंगी कि पूरब की आंखों से गिर जाएगी, पूरब तो उसका नाम तक नहीं लेगा। ओके Come on, quickly, quickly. Oh my God. You're looking gorgeous. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत लग सकती हो। But the credit should go to me. सब मेरे हाथों का जादू है। जिस तरह तुम्हें ब्लैक मैजिक करने का टैलेंट है, उसी तरह मुझ में चश्मिश को बड़ी बनाने का टैलेंट है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पूरे मेहनत पर मिट्टी डाल रही हो। चश्मा उतारो, इसके बिना ज्यादा अच्छी लगती हो। एक्चुअली तुम पहन लो। क्या है ना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे साथ सुरेश है। वैसे अगर तुम्हें देखकर उसने अपना चश्मा निकाल लिया ना, तो रात को कुछ भी करने के बदले तुम लोग आंख में चोली खेलते रह जाओगे। ए चश्मिश, ये बताओ कि शादी के लिए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आपको बाकी मुझे कोई गिफ्ट देना है तो रोक दीजिए ये सब, ये शादी रोक दीजिए प्लीज। नॉटी गर्ल,
मैंने तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाया तो तुम भी अपना जादू चलाओगी। Let me tell you one thing, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम्हारा कोई भी ट्रिक नहीं चलने वाला। अब तुम्हारी बातों का भी ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपना डिसीजन बदलने नहीं वाला। हाँ, लेकिन तुम मेरे सामने जब भी रोती हो ना, तब मुझे तुम्हारा असली चेहरा नजर में आता है। इसलिए रोना धोना बंद करो, चलो नीचे सब इंतजार करें। कम ऑन। क्या हुआ? मूड खराब है? चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। चलो बताओ कि तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कहानी सुनो। चलो राजा रानी की कहानी सुनाते हैं। नहीं, जंगल में शेर की कहानी? वो भी नहीं। तो फिर किसी के दिए हुए धोखे की कहानी? जो इस वक्त प्रज्ञा के साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार कहीं तुम भी हो। हाँ, और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझ पर ये ब्लेम डाल रही हो ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कह सके। तुम प्रज्ञा को अपनी बहन कहती हो ना, बोलो, उसे बहुत प्यार करती हो ना, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि प्रज्ञा ये शादी क्यों करना चाहती है? सिर्फ मैं प्रज्ञा की मजबूरी जानता हूँ। सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं। सिर्फ मैं और प्रज्ञा जानते हैं कि यही एकमात्र सही रास्ता है। नहीं, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि प्रज्ञा थी चीजों से प्यार करने लगी है, और वो ये सब सिर्फ चीजों के लिए कर रही है ताकि वो तकलीफ में ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे दूर जा रही है, इसीलिए वो उनसे डिवोर्स ले रही है। जिससे आप प्यार नहीं करते हो ना, उसके साथ रहने से बेहतर कि जिससे आप प्यार करते हो उससे दूर रहो। जिसे प्यार करते हैं उसे दूर रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो बुलबुल, मैं ये बात जानता हूं। और मैं यही कर रहा हूं। और प्लीज अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे इंप्रेस हो जाओ, ताकि तुम मेरी कुर्बानी देख सको और मैं तुम्हें वापस पा सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे और प्रज्ञा के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता था और जिंदगी भर वही कायम रहेगा, और वो है दोस्ती का रिश्ता। और उसी दोस्ती के रिश्ते के नाते मैं उससे शादी कर। प्रज्ञा को जो भी इल्जाम मुझ पर लगाने वो लगा सकती है, मुझे कबूल है, लेकिन प्रज्ञा किसी मुसीबत में हो और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। चश्मेश, चश्मेश, अरे चश्मेश, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उस सुरेश की तो ऐसी हालत हो गई है जैसे इमरजेंसी वार्ड में बिना डॉक्टर के पेशेंट की हो जाती है। ओ, तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? देखो ना, तो ये हाइड एंड सीक खेलने का टाइम है और ना ही मेरा मूड है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। ओके, तो तुम वार्डरोब में छुपी? अरे चश्मेश, तैयार हो गई हो ना, तो फिर अंदर क्या करियो? और कितना टाइम लगोगी? बाहर आओ जल्दी। चश्मेश, बहुत हो गया है नाटक। अपने नाटक जाकर सुरेश को दिखाना, मुझे नहीं। अब बाहर आओ जल्दी। मैं ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो फिर चश्मेश कहाँ गई? चश्मेश, 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 आई एम श्योर ये बालकनी में रो रही होगी और रोते रोते सो गई होगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।